नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खास खबरों पर। शरद पवार को हटाकर अजीत एनसीपी अध्यक्ष बने, बोले उम्र हो गई, अब आशीर्वाद दीजिए। शरद का जवाब अजीत खोटा सिक्का निकला। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में फायरिंग, वकीलों के दो गुटों में झगड़े के बाद गोली चली। लालू यादव ने राजद के स्थापना दिवस पर कहा, उखाड़ के फेंक देव नरेंद्र मोदी। दिल्ली के जनकपुरी में धसी सड़क, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु सरकार का आदेश, होटल में गेस्ट के साथ ड्राइवर्स को बेडरूम देना अनिवार्य, पार्किंग भी देनी होगी। मणिपुर में 2 महीने बाद कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए खुले स्कूल। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी आय से अधिक संपत्ति मामले में तीसरी बार तलब। ओडिशा में मां ने नवजात को 800 रुपए में बेचा, दूसरी बेटी के जन्म से नाखुश थी। गाजियाबाद में दबंगों ने दुकानदार को सड़क पर पीटा, 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई। आइए अब देखते हैं राज्यों की खास खबरें। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। कन्हैया लाल हत्याकांड में कोर्ट ने एनआईए को दिए निर्देश, कहा चार्जशीट की हिंदी कॉपी मुहैया कराएं। राजस्थान में विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। भरतपुर में 70 साल के बुजुर्ग महंत ने अपनी दाढ़ी से उठाया 35 किलो वजन, 2 गैस के सिलेंडरों को उठाकर किया अचंभित। राजस्थान के 5 जिलों में सड़क विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपए स्वीकृत। कावड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में सभी शिक्षण संस्थानों में 9 दिन की छुट्टी। अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की प्रमुख खबरों पर। बवाल के टीजर में जाह्नवी व वरुण की प्रेम कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध का दिखाया गया सीन। विद्या ने नियत में नॉट सो क्लासिक जासूस का किरदार निभाया। कंगना रनौत स्टारर तेजस 20 अक्टूबर को होगी रिलीज। यूएस में घायल होने की खबर के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए शाहरुख खान। टाइम्स स्क्वायर पर छाई सितारा, खुशी से झूमे महेश बाबू, डांसर के साथ मॉडल भी हैं। आइए अब जानते हैं खेल जगत की खास खबरें। विश्व कप क्वालिफायर से बाहर होने के बाद एंडी बालबर्नी ने आयरलैंड के कप्तान पद से इस्तीफा दिया। टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे का दूरदर्शन 6 भाषाओं में प्रसारण करेगा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। श्रीलंका ने बिजली की कीमतों में 55% की राहत दी। स्वीडन में कुरान की प्रति जलाने को लेकर पाकिस्तान करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में मिसाइल हमले में 43 लोग घायल। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।